Hi everyone. So, guys, आज हम बात करते हैं कि राहु कुंडली के थर्ड हाउस में क्या करता है. So, राहु जब कुंडली के थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस का संबंध हमारे कम्युनिकेशन से, थर्ड हाउस का संबंध हमारे आस पड़ोस की चीजों से. हमारी डेली की जो वर्बल टॉकिंग होती है वो थर्ड हाउस. थर्ड हाउस का संबंध आपके सिबलिंग से है, थर्ड हाउस का संबंध आपके कलीग से है, थर्ड हाउस का संबंध आपके मैनेजमेंट स्किल से है, आपके एडवर्टीजमेंट स्किल से है, और सीरियल्स वगैरह जो बनते हैं, जो आपकी जो शॉर्ट जो फिल्में होती हैं उसका संबंध भी थर्ड हाउस से है. बिकॉज थर्ड हाउस संबंध आपकी कम्युनिकेशन से है. होस्टिंग से संबंधित अगर कोई चीज़ है तो उसका संबंध भी थर्ड हाउस से ही है. थर्ड हाउस आपका कंधा है और आपकी रिटन एबिलिटी है. जो भी आप लिखते हैं वो थर्ड हाउस है. थर्ड हाउस मीन्स कम्युनिकेशन. जब राहु आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में आता है तो क्या होता है? एक्चुअली राहु का काम है चीजों को एम्प्लीफिकेशन दे देना. अगर राहु थर्ड हाउस में आएगा तो कम्युनिकेशन से संबंधित चीजों को राहु एम्प्लीफिकेशन दे देगा. मीन्स राहु थर्ड हाउस में अगर है तो इंसान बहुत अच्छा सेल्समैन होता है. सेल्समैन इन द सेंस कि मान लो जैसे आप कोई प्रोडक्ट है आपका, और उस प्रोडक्ट को मान लो आप सेल करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में राहु थर्ड हाउस में तो आप उस प्रोडक्ट को इतने फीचर्स बता के सेल करेंगे सामने वाले को कि सामने वाला लेने पे मजबूर हो जाएगा. बट एक्चुअली में वो इतने फीचर्स वाले प्रोडक्ट नहीं होंगे. आप किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सेल करने की एबिलिटी जो होगी वो आपके अंदर बहुत होगी. यानी जो यानी चीज़ों को पॉलिश करके बेचना, ये राहु कुंडली के थर्ड हाउस में करता है. दूसरा, थर्ड हाउस का संबंध कम्युनिकेशन से है, और राहु जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्टर है. राहु इतने जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है चीजों को, कि जितनी भी क्राउड्स होंगी, जो भी क्राउड उसको राहु को देखेगा या जो भी लोग उसको देखेंगे, तो वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे राहु को देख के. बिकॉज राहु क्या करता है, पब्लिक को बहुत फैसिनेट कर देता है, पब्लिक को बहुत अपनी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित कर देता है. तो आपने देखा होगा, आप बहुत जगह गए होंगे कि लोगों का भाषण सुना होगा, और वो भाषण के चारों तरफ बहुत चमक धमक है, और चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है ना? बहुत बड़े बड़े आपको लार्ज स्क्रीन दिखाई जा रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में ढेर सारे बड़े बड़े स्क्रीन दिखाई जाते हैं. वो सब राहु की चीज़ें हैं, क्योंकि राहु सामने वाले पर इम्पैक्ट डालता है अपने साइनेस के थ्रू, राइट? तो राहु जब कुंडली के थर्ड हाउस में आता है तो इंसान को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन झूठा होता है. फिर राहु वहां से देखता है कुंडली के सेवेंथ हाउस को. सेवेंथ हाउस मीन्स आपका ज्वाइंट वेंचर, आपकी लीगल बाइंडिंग्स, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर एंड अपोजिट वर्ड. और जो भी आप पब्लिक से डील करते हो, जो भी आप पब्लिक के साथ निगोशिएट करते हो, उसका संबंध कुंडली के सेवेंथ हाउस से है. तो राहु जब कुंडली के सेवेंथ हाउस को देखता है तो अपनी डील के थ्रू राहु यहां अपने आपको प्रिविलेज देता है. राहु आपके साथ रिलेशन बनाएगा. हाँ, ऐसे में एक चीज और भी होती है कि राहु अगर सेवेंथ हाउस में बैठा होता है, सेवेंथ हाउस को देख रहा होता है, तो इंसान सोशलाइजिंग बहुत करता है. लोगों से मिलना मिलाना, लोगों को अपने पास बुलाना, लोगों के पास जाना, उनकी शादी में जाना, अपने यहाँ बुलाना, अपनी पार्टी में बुलाना, गेट टुगेदर करना, मिलना मिलाना, ये सारी चीज़ें राहु की होती हैं. क्योंकि राहु डील्स के थ्रू अपने आप को प्रिविलेज देगा, लोगों के साथ डील करेगा और फिर उनके साथ चीटिंग कर देगा. पहले यह राहु कमिटमेंट करेगा आपके साथ, कोई भी ऐसा कमिटमेंट करेगा, और राहु ये आपको बोलेगा कि अगर हम दोनों ये काम करते हैं और अगर ऐसे ऐसे होता है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगा, यह हमारा ये हिस्सा होगा. लेकिन अगर वो चीज़ हो जाती है तो राहु उसके बाद में अपनी जो कमिटमेंट होती है उसको भूल जाता है, और वो चीज़ें उसको याद नहीं रहती, और याद भी रहती है तो राहु उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता. तो राहु यहाँ पर डीलिंग के थ्रू, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, झूठे कमिटमेंट के थ्रू, झूठे वादे के थ्रू,
अपने आप को प्रिविलेज देता है, यानी अपना मॉनेटरी गेन राहु यहाँ पर अचीव करता है। दूसरा सेवंथ हाउस का संबंध ट्रेड से है, तो हो सकता है राहु किसी दूसरे के ट्रेड पर अपना कब्जा कर ले। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हैं और राहु भी इंसान आपके साथ बिजनेस ज्वाइंट वेंचर करता है और आपको काफ़ी फायदा दिखाता है और आप उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और बाद में पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है आप यहाँ से चला गया। फिर वो वहाँ पर अपना एंटाइटलमेंट भी दर्ज कर देता है, ये बिजनेस मेरा ही है, तुम्हारा तो कभी था ही नहीं, ये सब काम राहु के हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि राहु अगर एक बार आपके पीछे पड़ गया तो आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। या फिर राहु यहाँ से देखता है कुंडली के नाइन्थ हाउस को। नाइन्थ हाउस का संबंध आपके धार्मिक चीज़ों से, आपकी हायर बिलीफ से है, हायर नॉलेज से है, डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज से है। आपके फादर का जो घर है वो भी नाइन्थ हाउस ही है। नाइन्थ हाउस का संबंध आपके रिलीजन से, आपके धर्म से है, और आपके गुरु टीचर प्रोफेसर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका संबंध सब नाइन्थ हाउस है। तो राहु जब नाइन्थ हाउस को देखता है तो धार्मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, धर्म के थ्रू, धार्मिक नॉलेज के थ्रू, प्रीचिंग के थ्रू, यहाँ राहु अपने आप को प्रिविलेज देगा। यानी राहु दान करके लोगों को ये शो करेगा कि मैं देखो कितना बड़ा दानी हूँ, और लोगों को अपने साथ यहाँ जोड़ लेगा। राहु ये शो करेगा कि देखो मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, मैं कितना अच्छा प्रोफेसर हूँ, और फिर राहु ऐसा प्रोफेसर बन के लोगों के साथ चीट करेगा। राहु यह दिखाएगा कि देखो मैं कितना अच्छा गुरु हूँ, मैं कितना अच्छा टीचर हूँ। दूसरा, फिर थर्ड हाउस में अगर राहु आपके थर्ड हाउस में है तो नाइन्थ हाउस में आपके केतु बैठा होगा। केतु का संबंध है अटैचमेंट से। एक्चुअली केतु जो है वो हमारी पास लाइफ है, जो भी हम पास में कर चुके हैं या जो भी अब से जो पहले हमने किया है वो सब केतु है। केतु मीन्स योर एक्सपीरियंस। तो केतु अगर नाइन्थ हाउस में है, राहु अगर थर्ड हाउस में है, तो नाइन्थ हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिटैच रहोगे। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है नाइन्थ हाउस की चीज़ों को लेके, यानी रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, दान दक्षिणा को लेके, हायर फिलोसफिकल नॉलेज को समझने वाला जो आपकी जो डिज़ायर है, आपके जो अंदर है, आपके अंदर जो डिज़ायर है कि मैं नॉलेजेबल बनूँ, मैं नॉलेज को गेन करूँ, तो ये जो आपके अंदर जो डिज़ायर है नाइन्थ हाउस की चीज़ों को लेके, ये राहु के एस्पेक्ट के कारण है। लेकिन नाइन्थ हाउस की चीज़ों से आप कहीं ना कहीं डिटैच रहेंगे। फिर राहु यहाँ से देखता है, थर्ड हाउस से देखता है आपके एलेवेंथ हाउस को। एलेवेंथ हाउस हो गया आपके होप्स एंड विशेस, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका इनकमिंग गेंस, और जो भी चीज़ आप अर्न करते हो, जो लार्ज गैदरिंग होती है, लार्ज जो असेंबली होती है, रैलीज वगैरह जो आपने देखी होंगी, जहाँ बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग जो आते हैं, वो कुंडली का इलेवेंथ हाउस है। इलेवेंथ हाउस का संबंध आपके बड़े भाई से भी है। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी इलेवेंथ हाउस है, और जो आपका जो जहाँ से आप मॉनेटरी गेन करते हो, जो आपका एक नेटवर्क सर्कल होता है, जो एक मार्केट सर्कल होता है, उसका संबंध आपके इलेवेंथ हाउस है। तो राहु जब इलेवेंथ हाउस को देखता है तो अपने नेटवर्क सर्कल से, अपने फ्रेंड्स लोगों के ग्रुप से, लार्ज असेंबली के थ्रू, लार्ज गैदरिंग के थ्रू राहु यहाँ पर अपने आप को प्रिविलेज देता है। बिकॉज राहु जो है थर्ड हाउस कम्युनिकेशन घर में बैठा है, यानी झूठा कम्युनिकेट करके, लोगों के साथ झूठी वार्तालाप करके, झूठे बात करके, इलेवेंथ हाउस यानी क्राउड, बड़े क्राउड को आप फेस करेंगे, बड़े क्राउड के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, और उस बड़े क्राउड को बाद में आप भूल जाएंगे। यानी जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो बस उनको फैसिनेट करने के लिए कर रहे हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। फिर राहु यहाँ पर बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज जानते हैं, बिकॉज इलेवेंथ हाउस जो है उसका संबंध आइडियाज से। जो भी आप नए नए जो आपके अंदर आइडियाज आते हैं वो इलेवेंथ हाउस है। तो हो सकता है राहु नए नए आइडियाज को शो करके आप लोगों को वो जो आइडियाज होंगे बहुत अच्छे लगेंगे, और आप सारे लोग उसके पीछे दौड़ पड़ोगे।
राहु उसमें से फिर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देता है, राहु जिंदगी के मजे लेता है। तो दोस्तों आज अपने बात करी कि राहु कुंडली के थर्ड हाउस में क्या काम करता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका राहु आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में और भी ग्रहों में क्या काम करता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राहु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के दिवस थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप भी अगर ये जानना चाहते हैं कि आपका राहु आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में या और भी घरों में क्या फल देता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राहु को जानने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।